बना हुआ अनुपम स्मारक। ये देखिए राजा महेंद्र हरदमन सिंह, ये है मोतीलाल नेहरू की मूर्ति। देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों ये है लोकेशन कुछ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों इस वक्त मैं आया हूँ एटा के मेहता पार्क में, आपको दिखाने के पार्क किस तरह का है और पहले किस तरह का था और अब मैं क्या चेंज आ गया है। तो अभी हम देखो मेहता पार्क है, ये चारों तरफ की आप लोकेशन है, ये देख सकते हैं जैसा कि आप। और इधर देखिए आप, ये बना हुआ अनुपम स्मारक। और दोस्तों पहले यहाँ खूब हरी भरी घास थी और पीछे देखो ये आप देख सकते हैं, ये पीछे लाइब्रेरी बनी हुई है और इसमें काफी अच्छी जगह थी, लेकिन क्या है अब तो इसकी धज्जियां उड़ा दी है। देखो दोस्तों ये है लोकेशन कुछ, अब तो टूट फूट गई है सारी जगह। और ये देखिए अनुपम स्मारक कुत्ता, माननीय कल्याण सिंह यादव जी का बना हुआ है, ये पूर्व मुख्यमंत्री। ये देखिए ये है कुछ इस तरह का। और ये देखिए नीचे यहाँ कुछ ग्रीन टीम डली हुई है, यहाँ काफी अच्छी पहले घरी हरी भरी घास थी तब बैठने में यहाँ अच्छा लगता था, लेकिन अब तो कुछ सब गंदा संदा डरा रहता है, लोग साफ सफाई नहीं रखते इसकी। अब चलिए आगे आपको दिखाते हैं और कुछ। और ये इधर साइड से कुछ इस तरह का नजारा है, यहाँ वो है, यहाँ बच्चे बच्चे खेलने आते रहते हैं कई सारे। अभी तो बस सिर्फ यहाँ पे इतना रह गया है कि यहाँ बच्चे वगैरह खेलने आते रहते हैं। अभी तो देखो सिर्फ यहाँ मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है, लेकिन पहले जब यहाँ घरी भरी घास थी तब लोग बैठते भी थे, खेलते भी थे, तब ज्यादा अच्छा लगता था। और इधर देखिए ये राजा महेंद्र अरे मदन सिंह की कुछ बनी हुई है, स्टैचू बना हुआ है, ठीक है, नाम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए राजा महेंद्र हरदमन सिंह, ये उनकी बनी हुई है ये कुछ इस तरह से। चलिए और आगे चलते हैं। और यहाँ एक और आपको मूर्ति दिख जाएगी और ये है मोतीलाल नेहरू की मूर्ति। देखिए दोस्तों गाइस, देखिए पार्क की एक तरफ ये शनि भगवान की यहाँ वो मंदिर बना हुआ है और यहाँ लोग पूजा करने आते रहते हैं। और चलो आपको दिखाते हैं पास से जरा, ये है कुछ शनि भगवान का मंदिर, ये बीच में शिवलिंग बनी हुई है। ये ब्रह्मदेव का मंदिर, और ये बजरंगबली की मूर्ति, कई सारी यहाँ मूर्तियां हैं। और इधर साइड है ये शनि भगवान की मूर्ति, शनिवार को इसकी पूजा करते हैं।